हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये BMW G310 GS का एसेसरीज इंस्टॉलेशन का सेकंड पार्ट वीडियो है। पहला पार्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी इसका टायर हगर, विंडशील्ड और सेंटर स्टैंड का इंस्टॉलेशन डिटेल्स में बताया हूँ, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नया देख रहे हैं उनको बता दूँ कि मैं बेसिकली उड़िया में ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में बनाने के लिए ताकि वाइडर ऑडियंस तक जाए। इस वीडियो में मैं बेसिकली तीन एसेसरीज के इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। पहला चीज़ है इसका रेडिएटर गार्ड, दूसरा चीज़ इसका क्रॉस गार्ड, बोथ अपर एंड लोअर फ्रंट क्रॉस गार्ड, और तीसरा चीज़ है इसका सैडल स्टैंड। इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस और मैंने उसको कहाँ से ख़रीदा हूँ वो डिटेल मैं इंस्टॉलेशन सेगमेंट वाइज बता दूंगा। एसेसरीज लिस्ट का पहला प्रोडक्ट है रेडिएटर गार्ड। इस बाइक का रेडिएटर ओपन एक्सपोज्ड रहता है एनवायरमेंट को, इसीलिए बड़े बड़े स्टोन आके लगने से इसको डैमेज कर सकता है, इसलिए इसका गार्ड लगाना भी इम्पोर्टेंट है। TRP ट्रेडर्स नाम का ये ब्लैक कलर रेडिएटर गार्ड मैंने अमेजन से परचेज किया हूँ। इसके लिए मैं पे किया हूँ 1,550 रुपीज़। इसको इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस ईजी है, टोटल 4 स्क्रू बोल्ट से ये टाइट हो जाता है। इंस्टॉलेशन का दूसरा एसेसरीज है बोथ अपर एंड लोअर फ्रंट क्रॉस गार्ड। इस बाइक का फ्रंट पार्ट फाइबर का बना हुआ है तो गिर के टूटने का चांस रहता है, इसलिए क्रॉस गार्ड लगाना जरूरी है। मैं जो क्रॉस गार्ड इंस्टॉल कर रहा हूँ वो जाना ब्रांड का प्रोडक्ट है और मैं इसको राइडर्स जंक्शन वेबसाइट से ऑर्डर किया था। लोअर गार्ड के लिए मैंने पे किया हूँ 5,500 और अपर गार्ड के लिए भी मैं पे किया हूँ 5,500, तो टोटल फ्रंट क्रॉस गार्ड के लिए 11,000 पे किया हूँ। इस क्रॉस गार्ड का इंस्टॉलेशन सबसे कम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग काम होता है। लोअर गार्ड को अलग से लगा सकते हैं, लेकिन अपर गार्ड लगाने के लिए लोअर गार्ड लगना जरूरी है, तो बेटर है कि ये दोनों को साथ में इंस्टॉल करें। भले कि इसका इंस्टॉलेशन डिटेल पैकेट में एक पेपर में इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहता है, लेकिन इसको इंस्टॉल करना उतना ईजी नहीं होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल एसेसरीज पैकेट के अंदर आता है, लेकिन कुछ कुछ नट बोल्ट्स अलग से आपको खरीद के लगाना पड़ेगा। ये जो एल्यूमिनियम सेपरेटर देख रहे हैं इसको लगाना जरूरी है ताकि क्रॉस गार्ड बाइक के बॉडी को चिपके ना, और जिस जिस जगह पे कलर के ऊपर ये क्रॉस गार्ड को लगाना पड़ता है वहाँ पे ये रबर वॉशर डाल के इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि कलर फेड ना हो। राइट साइड में ये स्क्रू खोलने और टाइट करने टाइम ध्यान दें कि जो सॉफ्ट रेडिएटर का पाइप है वो ब्रेक ना हो। अभी जो स्क्रू आप फ्रंट में टाइट होते हुए देख रहे हैं वो पैकेट में नहीं था, और जो ऑलरेडी स्क्रू टाइट हुआ था बाइक में उससे वो फिट नहीं हुआ, तो इसीलिए फ्रंट वाले पोर्शन को टाइट करने के लिए 2 स्क्रू मुझे अलग से खरीदना पड़ा। ये क्रॉस गार्ड का क्वालिटी बहुत अच्छा है जो बाइक को प्रोटेक्ट देगा ही, उसके साथ साथ बाइक का लुक भी एनहेंस हो जाता है ये क्रॉस गार्ड लगने के बाद। प्रोडक्ट लिस्ट का नेक्स्ट प्रोडक्ट है सैडल स्टे, जिसको मैं राइडर्स जंक्शन से ही परचेज किया हूँ। इसके लिए मैं पे किया हूँ 3,000 रुपीज़। इसका इंस्टॉलेशन क्रॉस गार्ड इंस्टॉलेशन के कंपैरिजन से बहुत आसान है, इसमें लगने वाले सारे स्क्रूबल्स पैकेट के अंदर आता है। सैडल स्टे लगाने से कैरियर को होल्ड करने साथ साथ ये पीछे का लुक एनहेंस करता है और बाइक को पीछे साइड का कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी करता है। क्रॉस गार्ड सैडल स्टे लगने के बाद बाइक का लुक कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना सजेशन दें। मिलता हूँ आपको और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।